सीएसके के हार के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने टीम को जमकर लताड़ा है। वीरू ने कहा कि कुछ सीएसके के बल्लेबाजों ने सीएसके को सरकारी नौकरी की तरह समझ लिया, कुछ करो ना करो सैलरी तो मिलेगी। सहवाग ने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन केदार जाधव और रविंद्र जडेजा ने जो डॉट गेंदें खेली वो अच्छा नहीं रहा। मेरे हिसाब से कुछ बल्लेबाजों ने सीएसके को सरकारी नौकरी की तरह समझ लिया है। अपने शो वीरू की बैठक में सहवाग ने जाधव को लताड़ा था और उनसे बस सजावट का सामान कहा था। इसके अलावा सहवाग ने जाधव पर तंज कसते हुए कहा कि केकेआर की ओर से असली मैन ऑफ द मैच अवार्ड तो उन्हें ही मिलना चाहिए था। इस सीजन में सीएसके ने अभी तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। सीएसके ने 2018 में खिताब अपने नाम किया था और उसके बाद 2019 में फाइनल तक पहुंचा था। केकेआर ने सीएसके के सामने जीत के लिए 168 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में सीएसके की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। इस मैच में केदार जाधव को बैटिंग ऑर्डर में रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो से पहले भेजा गया था। जाधव ने 12 गेंद पर 7 रन बनाकर नॉट आउट लौटे थे। कप्तान धोनी खुद 12 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस मैच के बाद धोनी की कप्तानी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।